नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस। ये जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है और ये लगातार अभी भी तेज़ी पकड़े हुए हैं और लगातार इसमें अभी और भी तेज़ी आना बाकी है। ये जो शेयर है बहुत ज़्यादा इसलिए चर्चा में है क्योंकि लोग इसको खरीदने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन लोग इसको खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें लगातार जो है अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। लगातार इसमें रोज़ बरोज अपर सर्किट मिल रहा है, इसलिए ये जो है लोगों को खरीदने को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें जो तेज़ी है, ये तेज़ी कहाँ तक जाने वाली है और तेज़ी क्या आपको ये थोड़ा डरा भी रही है कि ऐसा नहीं कि तेज़ी आने के बाद गिरावट आने वाली है। अगर इसमें गिरावट आती है तो कहाँ से ये गिरावट आ सकती है, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलते हैं। तो सबसे पहले हम चल के देखते हैं कि इसमें कैसे क्या अभी ट्रेड चल रही है। तो आप इसमें गौर करें तो ऑलमोस्ट जो अपना फ्राइडे का कल का दिन था 23 जुलाई का, इसमें 3 रुपए के आसपास की तेजी मिली देखने मिली थी जो कि 4.92% के आसपास की थी। इसमें जो अपर सर्किट था 2-3 बार टूटता हुआ भी दिखाई दिया और टूटने के बाद जब मार्केट बंद हुआ उसके बाद मार्केट बंद होने के साथ साथ इसमें अपर सर्किट भी लग गया था। सर्किट टूटा भी लेकिन बाद में इसमें अपर सर्किट लग गया था। 1 वीक का अगर इसका हाल देखें तो 1 वीक में इसमें ऑलमोस्ट 11.25 रुपए के आसपास की तेजी देखने मिली जो कि 21.35% के आसपास की तेजी है। रोज इसमें जो है तेजी देखने को मिल रही है। अभी यह 63.95 रुपए पर पहुंच चुका है। 1 मंथ का अगर इसका हाल देखें तो 1 मंथ पे ऑलमोस्ट 27.45 रुपए के आसपास की तेजी आई है। इसमें 75.21% के आसपास की तेजी आई क्योंकि इसने अपना हाई बनाया था 51.20 रुपए का, उसके बाद से हाई बनाने के बाद इसमें गिरावट आई थी क्योंकि जो 51.20 रुपए का लेवल था ये बहुत तेज चला था, बिल्कुल सीधी चढ़ाई इसने की थी। तो उसके बाद आई थी इसमें प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉफिट जैसे ही बुक हुआ उसके बाद से दोबारा से अब इसने सीधी चढ़ाई चालू कर दी और ये अब ऊपर इधर बढ़ चुका है। 6 महीने का अगर इसका हाल देखें तो 6 महीने में ऑलमोस्ट 58.80 रुपए की तेजी इसमें देखने मिली है। लगभग इसने 1141 1100% से ज़्यादा जो इसने रिटर्न लोगों को बना दिए सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। 6 महीने पहले ही 5.15 रुपए के आसपास का शेयर था और वहाँ से कहाँ पहुँच चुका है 63.95 रुपए। तो एक हैवी रिटर्न लोगों को उसने बना के दे चुका है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। ये तो बात रही कंपनी का कैसा क्या हाल रहा है, कैसा क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपनी का क्यों आगे अच्छा होने वाला है, क्यों कंपनी और आगे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे इसकी कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के कैसे क्या फाइनेंशियल्स रहे हैं। तो आप गौर करें रेवेन्यू पर, तो रेवेन्यू गौर करें तो लगातार इनका रेवेन्यू पहले कितना था 0.04 करोड़, फिर 0.49 करोड़, फिर 1.57 करोड़, फिर 1.82 करोड़। तो आप इस पैटर्न से समझ रहे होंगे कि लगातार इनका रेवेन्यू जो है 4 साल बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब हर साल ये अपना रेवेन्यू जो है बढ़ा रहे हैं, लगातार इनकी रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इस कंपनी के लिहाज से देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर 1 साल भी गिरता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इस कंपनी रेवेन्यू 1 भी साल अभी तक गिरा नहीं है, लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। और उससे महत्वपूर्ण बात जो है वो है इनकी नेट इनकम। नेट इनकम देखिए तो लगातार 3 साल ये लॉस में रहे, पहले देखिए 663 करोड़ का लॉस था, फिर 1308 करोड़ का लॉस हुआ, मतलब कि लॉस बढ़ गया, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया अगले साल सीधे अपना लॉस कम किया और पहुंच गए 153 करोड़ के आसपास पे, अपने लॉस पे पहुंच चुके थे। लेकिन इस साल इन्होंने जो अपना 153 करोड़ का लॉस था उसको बदल दिया पॉजिटिव में, मतलब कि अब ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है, 0.01 करोड़ का इनका जो है प्रॉफिट अब हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा कंपनी में पॉजिटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि अब गौर करें इनकी अर्निंग पर शेयर की देखें तो अर्निंग पर शेयर इनकी माइनस की 4.80, मतलब 4.80 रुपए की थी माइनस में, फिर पहुंची 9.40 रुपए, उसके बाद से रिकवरी दी इन्होंने और पहुंचे 1.11 रुपए की माइनस में, लेकिन अब जो है ये न्यूट्रल मोड पे आ चुके हैं, मतलब कि अब ये 0 पैसे की अर्निंग दे रहा है। लेकिन अब जो ये इनकी अर्निंग है बहुत तेज़ बढ़ने वाली है क्योंकि इनकी अर्निंग काफ़ी अच्छी न्यूट्रल पहुंच चुकी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइनस से पॉजिटिव में अब पहुंचने की ओर चल दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे इनके फाइनेंशियल देखें तो कंपनी के बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कंपनी के पास बहुत अच्छे पीई और पीबी रेशियो भी, अगर आप गौर करें कंपनी का एक बार आप गौर करें पीबी रेशियो तो 104.49, मतलब कि एसेट जो है इनके पास बहुत सारे हैं, सेक्टर से कंपेयर सेक्टर से इनका पीबी रेशियो बहुत ज़्यादा है, उनका पी रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है, 8,83,961 का इनका जो है पी रेशियो है। तो काफ़ी ज़्यादा पी रेशियो है, कंपनी महंगी ज़रूर है लेकिन कंपनी बहुत अच्छी भी, क्योंकि आप देखें पीवी रेशियो इनका बहुत तगड़ा है, इनके पास एसेट्स बहुत अच्छी मात्रा में इनके पास है। ये तो बात है कंपनी की फाइनेंशियल की। अब हम दिखाते हैं कंपनी की आपको होल्डिंग, ये कैसी क्या प्रमोटर होल्डिंग है। तो आप गौर करें प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी अच्छी इनकी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की 74.75% के आसपास की होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास में है, मतलब कि प्रमोटर्स को जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनको कंपनी पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि कंपनी आगे ज़्यादा ग्रो करने वाली है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा रखते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी आगे ग्रो करने वाली है, कंपनी
कि जो है अभी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने की। तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी आगे साबित होने वाली है। 50% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसकी तो ऑलमोस्ट 75% के आसपास की है म्यूचुअल फंड की। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की इसमें 0% होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इसमें ऑलमोस्ट 8.69%, मतलब कि काफ़ी अच्छी होल्डिंग जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की है। तो जो अपने विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस कंपनी में काफ़ी अच्छा अपना पैसा लगा रखा है। तो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ये चीज़ दिखा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी में भरोसा कर रहे हैं, तो हम भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। जो अपने ड्रिलर्स हैं, ड्रिलर्स हैं इसमें लगभग 16.56% के आसपास की होल्डिंग ने रखी है, मतलब कि अपने छोटे लोगों का पैसा भी इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में लगा हुआ है। ये तो बात है एक होल्डिंग की, तो होल्डिंग देखे तो बहुत अच्छी इसमें कंपनी दिखाई दे रही है। आपके लिए ये कंपनी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होने वाली, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी आगे बिल्कुल ग्रो करने वाली, कंपनी खत्म बिल्कुल भी नहीं होने वाली, कंपनी बहुत आगे बढ़ने वाली है। ये तो बात रही कंपनी फंडामेंटल्स की। अब हम चलते हैं कंपनी के चार्ट की तरफ, की चार्ट पे इन्होंने कैसा क्या परफॉर्मेंस दिए। तो आप गौर करें इस लेवल पर, करीब करीब का जो लेवल था 4 रुपये के आसपास का लेवल था, 4.5 रुपये का, यहाँ से इनकी जो चढ़ाई चालू हुई थी तो ये सीधे चढ़ाई इन्होंने चालू की थी, कहाँ तक 50 रुपये के लेवल तक ये सीधे पहुँच गए थे। और इसके पहले इसमें गिरावट भी देखने मिली, थोड़ी सी 2-3 दिन गिरावट भी आई थी। वो गिरावट का रीज़न क्या था कि इनका RSI काफ़ी ज़्यादा पहुँच चुका था। जब भी इनका RSI पहुँचा है करीब 90-95 के आसपास, जब भी इनका RSI देखा गया है, इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और प्रॉफिट बुक करने के बाद इसमें दोबारा से तेज़ी देखने को मिली है। देखिए इस हल्के सा प्रॉफिट बुक हुआ और दोबारा से ऐसे तेज़ी पकड़ी, 15 रुपये के लेवल से कहाँ पहुँचा, सीधे 50 रुपये लेवल पर। फिर आप देखें इसमें दोबारा से इसका RSI आप गौर करें यहाँ पर पहुँच चुका था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करीब करीब 95-96 का फिर से पहुँचा था। फिर से क्या प्रॉफिट बुकिंग आई, तो प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही खत्म हुई और दोबारा से इसमें तेज़ी आई और तेज़ी जैसे ही चालू हुई, फिर से इसने चढ़ाई चालू करी ऊपर की तरफ और इसने बूम मचा के रखा है। फिर से ये अब ऊपर चढ़ रहा है और अब ये 63 रुपये 95 पैसे पर पहुँच चुका है, 50 रुपये के लेवल, ऑलमोस्ट 40 रुपये के लेवल से पहुँच चुका है, कहाँ पर 63 रुपये के लेवल पर। तो काफ़ी तेज़ इसमें तेज़ी आ चुकी है। और इसका RSI अभी आप गौर करें तो 84 के आसपास का इसका RSI पहुँच चुका है, 84-85 इसका RSI पहुँच चुका है। तो आपको इसमें जो है सतर्क होने का टाइम आने ही वाला है, अभी इसमें तेज़ी और भी आने वाली है। इसका RSI तक 95-96 तक नहीं पहुँच जाएगा, तब तक इसमें तेज़ी आती रहेगी, ये भी बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन जैसा ही इसका RSI 95-96 के आसपास पहुँचे तो आपको इसमें फिर से जो है सतर्क हो जाना है, क्योंकि जब भी इसमें RSI ज़्यादा पहुंचेगा इसमें गिरावट देखने को आप देख सकते हैं मिली है, क्योंकि प्रॉफिट बुक इसमें मिलता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें सतर्क होकर ट्रेड करना है, अभी आपको सतर्क का जो है अलर्ट का टाइम नहीं आया है। जब जैसे ही इसका RSI आगे पहुंचेगा हम आपको इसको अलर्ट की एक जरूर वीडियो बनाएंगे, आपको जरूर इसको अलर्ट करेंगे आपको कि आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है। तो अभी जो मुझे सबसे अच्छा इसका टारगेट दिख रहा है वो हमने आपको लास्ट वीडियो जो बनाई थी, हमने आपको टारगेट दिया था 65 रुपये 45 पैसे का। तो ये इसका बहुत ही क्रूशल टारगेट होने वाला है, इस टारगेट को ये आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, ये बहुत इसका महत्वपूर्ण टारगेट रहने वाला है, 65 रुपये और 45 पैसे। ये टारगेट आपको बहुत जल्द अचीव होते हुए आपको दिख रहा होगा कि ये टारगेट जल्दी अचीव हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा सतर्क भी होना है क्योंकि इसका RSI काफ़ी ज़्यादा अब आगे पहुँचने वाला है। ये तो बात रही कंपनी के कैसा क्या टारगेट है। और अगर इसमें गिरावट चालू होती है तो गिरावट जब रहेगी तो इसमें जो सबसे अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट, नंबर वन काफ़ी तगड़ा सपोर्ट का काम करने वाला है। ये सपोर्ट टूटने नहीं वाला, ये भी बिल्कुल पक्की बात है, ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट रहने वाला है। क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है, जो कि इसके चांस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम चांस है टूटने के, तब भी हम इसको आपको सपोर्ट देंगे तो आपका 40 रुपये 65 पैसे का लेवल जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल सपोर्ट फिर रहेगा, सपोर्ट नंबर टू। ये तो बात है गिरावट की, क्योंकि इसमें गिरावट इतनी ज़्यादा नहीं आने वाली, गिरावट जो है बहुत इसमें छोटी सी गिरावट आएगी और दोबारा से गिरावट रहने का मतलब प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे हैं उसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉफिट बुक जब हो जाएगा तो दोबारा से तेज़ी आपको आती ही मिलेगी। और इसका जो टारगेट नंबर टू जो है, जो मुझे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बेस पे मैं आपको देना चाहता हूँ, वो रहेगा 83 रुपीज़ 95 पैसे। ये आपको थोड़ा सा टारगेट अचीव होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये टारगेट आपको बहुत जल्दी अचीव होता हुआ मिलेगा, 93 रुपये 95 पैसे। और अगर इस शेयर को आपने ले रखा है तो आप इसमें जब इसमें RSI 95 के साथ पहुंचे तो आप इसमें प्रॉफिट बुक जरूर कीजिएगा, मैं आपको यही सलाह दूंगा। जब इसका RSI 95 पहुंचे तभी आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा, और जब ये नीचे के लेवल पर आया मतलब कि इसमें प्रॉफिट बुक होगा, जब गिरावट आएगी तो आप इसको दोबारा से बाई कर लेंगे तो आपको डबल प्रॉफिट इससे देखने को मिलेगा, मतलब कि आपका दोगुना प्रॉफिट इससे आपके पास चांस है कमाने का। आप नीचे के लेवल पर बाई किए होंगे, अगर आपके पास इसके शेयर हैं तो आप कहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, ऊपर के लेवल पर, मतलब जब इसका RSI 95 के आसपास पहुंच जाएगा फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक के वहाँ से निकल जाएंगे और नीचे आने का वेट करेंगे। जब ये नीचे सपोर्ट ले आप बाई कर लीजिएगा तो आपको दोबारा से इसमें बड़े स्टडी में पैसा देखने को मिलेगा। तो यही आपको मेरी सलाह है कि अभी आप जो है इसमें थोड़ा सा इंतजार करें, प्रॉफिट बुक अभी आप ना करें, अभी जब इसका RSI 95 पहुंचे तब आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिएगा।
और अभी आपको बाइंग नहीं मिल रही होगी, अगर आपको बाइंग अभी करना है तो अभी बाइंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अभी बाइंग करने पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब कि इतना प्रॉफिट आपको नीचे के लेवल पर बाई करने पर होगा, उतना प्रॉफिट आपको अभी बाई करने पर नहीं होगा। लेकिन अभी आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको बाई करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये जो शेयर है बहुत अच्छा आपका लॉन्ग टर्म का बेस का साबित होने वाला है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं। आपको ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा बना के देने वाली है, और मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म में ही होल्ड करें, बहुत अच्छा आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड थैंक यू।